अपवर्तन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद्यार्थीगण। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, नंबर वन को बोला जाता है नियमित परावर्तन, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा जो होता है प्रकार इसका, उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन, इरेगुलर बोला जाता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक होता है बाबू नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं हम लोग। पहला हम लोग चलेंगे नियमित परावर्तन। ठीक है, अब देखेंगे नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। यदि परावर्तन समतल सतह से हो तो प्रकाश की किरणें नियमित रूप से परावर्तित होती हैं ठीक है। कहता है कि यदि परावर्तन समतल सतह से हो तो प्रकाश की किरणें नियमित रूप से परावर्तित होती हैं। जैसे समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन। ठीक है, दूसरा होता है विद्यार्थीगण इरेगुलर अनियमित परावर्तन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखेंगे जी, कहता है कि यदि परावर्तक सतह समतल ना हो तो
प्रकाश की किरणें नियमित नियमित रूप से नियमित रूप से परावर्तित नहीं होती है, नहीं होती है, इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के दो प्रकार था, एक नियमित परावर्तन और दूसरा था अनियमित परावर्तन। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना है वह पढ़ना है प्रतिबिंब। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो होता है इसका मतलब होता है इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, लिख लेते हैं मुख्य रूप से, मुख्य रूप से प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है विद्यार्थीगण, इसे बोला जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, इंग्लिश होता है रियल इमेज, रियल इमेज। और सेकंड वन जो होता है इसका नाम है काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिबिंब का परिभाषा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब का मतलब इमेज, अब इमेज किसे कहते हैं इसके बारे में देखा जाए तो इमेज कहता है, ध्यान देंगे आप लोग, हम लोग पढ़ें क्या, प्रतिबिंब मुख्य रूप से कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब किसको कहते हैं से देख लीजिए, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद किसी परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी सतह से, सतह से टकराकर, टकरा कर जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है,
प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देख लीजिए क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी सतह से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत भी होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहले इसको लिखिए। देख रहे थे प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब में देख लिए कि एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देख लेते हैं उसे। एक तरफ लिखा जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, लाइन लगा लिए हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, ये भी नंबर वन। नंबर टू में देखिएगा, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, जा सकता है। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, यह प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के वास्तविक रूप से मिलने पर बनता है, यह प्रकाश के परावर्तन या
अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात काल्पनिक रूप से, काल्पनिक रूप से मिलने पर बनता है, मिलने पर बनता है। ठीक है, चौथा पॉइंट जो जाएगा विद्यार्थीगण, वह होता है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस के द्वारा बनाया जाता है। बनाया जाता है। चार में देखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण समतल दर्पण एवं अवतल लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा बनाया जाता है, बनाया जाता है। चार पॉइंट हो गए, पांचवा पॉइंट देखेंगे। पांचवा पॉइंट, इसे आँख के रेटिना पर बनाया जा सकता है। पांच में, इसे आँख के रेटिना पर तारा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंसेस थे बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में। पहले इसको आप नोट करो अच्छे से।